आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड प्लांट पढ़ेंगे कि जितने भी बीजधारी पादप होते हैं उन पादपों के क्या लक्षण होते हैं। तो अगर हम पादप जगत को देखें तो पादप जगत में पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है, क्रिप्टोगेम्स एंड फैनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स को हिंदी में बोलते हैं अपुष्पोद्भिद और फैनेरोगेम्स को कहते हैं पुष्पोद्भिद। क्रिप्टोगेम्स अपुष्पोद्भिद का मतलब होता है कि ऐसा प्लांट किंगडम का ऐसा ग्रुप जिनके जिसमें पुष्पों का निर्माण नहीं होता उनको हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। क्रिप्टोगेम्स में आता है आपके थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। और फैनेरोगेम्स को हम स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। इसका मतलब होता है, फैनेरोगेम का मतलब होता है पुष्पोद्भिद, यानी पुष्प बनना, जिसमें ऐसे प्लांट किंगडम का ऐसा बड़ा पार्ट जिसमें फ्लावरिंग होती है उनको हम पुष्पोद्भिद कहते हैं। अब पुष्पोद्भिद इसको हम स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। फैनेरोगेम्स को हम स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है स्पर्म मीन्स सीड, फाइटा मीन्स प्लांट। तो ऐसे सारे बीजधारी पौधे जो होते हैं उनको हम फैनेरोगेम्स में या स्पर्मेटोफाइटा में रखा जाता है। तो इसका ये मेन डिविजन स्पर्मेटोफाइटा है। और स्पर्मेटोफाइटा को हम फर्दर टू पार्ट्स में और फिर डिवाइड करते हैं, जिसमें से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म मतलब सीड नेकेड है, उसके अंदर अंडाशय की अनुपस्थिति के होने के कारण उसके बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं, इसलिए इनको हम नग्न बीजी कहते हैं। और इसी का ही सब डिविजन, स्पर्मेटोफाइटा का मेन सब डिविजन जो है वो है एंजियोस्पर्म। और एंजियो मीन्स कवर्ड, स्पर्म मीन्स सीड कवर्ड होते हैं। अपने जितने भी देखो आम अपनी फल भित्ति से ढका हुआ है, कोई दूसरे फ्रूट देख लो, सभी फ्रूट्स के अंदर जो होता है वो अपने बाहर से वो अपनी सीड कोट से ढका रहता है, इनको हम कहेंगे एंजियोस्पर्म। तो स्पर्मेटोफाइटा के दो ग्रुप हो गए, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ऐसा पार्ट जिसमें अनावर्त बीजी है, बीज अनावर्त है, बीज ढका हुआ नहीं है, उसको हम जिम्नोस्पर्म कहेंगे। और आवर्त बीजी जिसमें आवर्त है, बीज जो है वो चारों तरफ से ढका हुआ है, सीड कोट से ढका रहता है, उसमें अंडाशय है, अंडाशय के अंदर फल भित्ति है, फल भित्ति ने बीज को चारों तरफ से घेर रखा है। तो दो मेन ग्रुप हो गए आपके जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब इसके अंदर अगला पार्ट आता है कि ये जो जिम्नोस्पर्म जो है मेनली ये फैनेरोगेम्स भी क्रिप्टोगेम्स से ही मिलके बने हुए हैं। और विश्व में बीते पूरे वर्ल्ड में जो मेन डोमिनेटिंग स्पीशीज जो है, डोमिनेटिंग प्लांट किंगडम का पार्ट जो होता है, सारे बीजे पादप का होता है, जिसमें से जिम्नोस्पर्म के लगभग आपके वंश जो होते हैं वो 70 वंश होते हैं, 70 वंश जिम्नोस्पर्म के होते हैं। और उसी 70 वंश के अंदर 725 जो है इसकी स्पीशीज होती है। इसी तरह से एंजियोस्पर्म तो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है, और इनके अंदर ये पुष्पोद्भिद पौधा है, पुष्पोद्भिद पादपों का ग्रुप है, जिसमें लगभग 12,500 तो वंश होते हैं, जीनस जो है वो 12,500 वंश, और कम से कम जातियां जो स्पीशी 199,300 होती है, 1,99,000-3,000 स्पीशीज होती है। बीजीय पादपों के अंदर सूक्ष्म जो छोटा सीड वीड होता है, डक वीड जो होता है, डक वीड से लेके लार्जेस्ट प्लांट जो होते हैं जैसे यूकलिप्टस तक के प्लांट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर जिम्नोस्पर्म मेनली वुडी प्लांट्स होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में हर्बेशियस एंड ये हब होता है, शाखीय भी प्रवृत्ति होती है, और कुछ इसके अंदर आपके ट्रीज हैबिट होती है। अब मेनली हमने हमारा टॉपिक ये है कि व्हाट इज सीड, सीड क्या होता है, बीज क्या है। बीज को हम कहते हैं निषेचित बीजांड को ही हम बीज कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं पहले भी, फ्लावर है, पुष्प होता है, पुष्प के अंदर कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। एंड्रोशियम और गाइनेशियम प्लांट पौधे के मेल पार्ट है एंड्रोशियम, एंड फीमेल पार्ट होता है गाइनेशियम। जब हम गाइनेशियम में देखते हैं तो गाइनेशियम के भी तीन पार्ट्स हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। उसके अंदर पहले वर्तिका होगी, वर्तिकाग्र होगा, और नीचे होगी उसकी अंडाशय, ओवरी होगी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होगी, और ओव्यूल्स में ही जब ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो ओव्यूल के अंदर होती है, और ओव्यूल में ही
जब गैमेट का जो फ्यूजन हो जाता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, एग प्लस मेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो जायगॉट बनता है, और जायगॉट के चारों तरफ जो होता है वो आपके सीड कोट होती है। तो इस तरीके से वो सीड जो है बीजांड क्या है, निषेचित बीज को ही हम बीजांड को ही हम बीज कहते हैं। और ये छोटी सी परिभाषा हो गई कि निषेचित बीजांड को बीज कहेंगे। और इसी तरीके से दूसरे शब्दों में कहेंगे कि बीज वास्तव में एक एम्ब्रियोनिक पार्टी है, उसमें उसी क्योंकि उससे आगे की सारी नेक्स्ट जनरेशन इस बीज से स्टार्ट होगी, तो बीज एक एम्ब्रियोनिक पार्ट है जिस जो चारों तरफ से अपनी मोटी सीड कोट से ढका हुआ है। और ये प्लांट को मतलब चारों तरफ से सीड कोट है, तो जितनी भी अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी उस अनफेवरेबल कंडीशन में उसको वो बचा के रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा, जीवन क्षम बनाए रखेगा, मतलब डेड नहीं हो जाएगा। उस सीड कोट की प्रेजेंस के कारण सीड जो होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव करेगा। और जब उसकी कंडीशन फेवरेबल आ जाएगी, उस फेवरेबल कंडीशन में ये क्या करेगा, अंकुरित होकर वापस नया प्लांट बनेगा, नया प्लांट इससे डेवलप हो जाएगा। तो बीज जो है वो वास्तव में क्या है, निषेचित बीजांड को ही हम बीज कहते हैं। और बड़े शब्दों में और अगर इसको हम एलोबरेट करें तो ये एक प्रकार का भूणीय पादप है जो क्या करता है, प्रतिकूल परिस्थिति में पौधे को बचा के रखता है, अनफेवरेबल कंडीशन में जीवन क्षम रखता है, और जब कंडीशन फेवरेबल आ जाएंगी तब अंकुरित होकर वापस नए प्लांट का निर्माण करता है। अब कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूण पोष उपस्थित होता है, उनको हम भ्रूण पोषी बीज कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे अरंड हो गया, चिलकोजा हो गया। और इसी तरीके से जब किसी पौधे के किसी में बीज में भ्रूण जो है भोज्य पदार्थ जो है वो भ्रूण में न संग्रहित होकर उनके कॉटिलेटन्स या बीज पत्र में संग्रहित होता है उसको हम अभ्रूण पोषी कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका चना है और आम है। तो आज हम आपके इसी को सीड को और करेक्ट व्हाट इज सीड एंड सीड के करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो वास्तव में अगर ये बीज जो है वो स्थलीय पादपों के लिए एक जैविक उत्कृष्टता का एग्जांपल होता है कि मतलब जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर बीज का होना ही एक प्राकृतिक आपके अनुपम उत्पाद है कि है। इसके अकॉर्डिंग ये जैविक उत्कृष्टता का मतलब होता है कि इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आगे उसकी वो चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी इस बीज फॉर्म में ही बीज रखा रहेगा तो हम कितने सालों तक होता है उसको बीज वापस अंकुरित होकर उस नए प्लांट का निर्माण कर सकते हैं। और इस प्रकार से सुषुप्ता अवस्था में इसमें डोमेंसी होती है तो डोमेंट पड़े रहते हैं, जैसे अपने किसानों के पास बीज की स्टॉक होता है, जैसे ही उन्होंने वापस अंकुरित करना है तो वो उन बीजों को ले लेते हैं और वापस तब सुषुप्ता अवस्था में प्लांट जो है वो सर्वाइव कर रहा है। और जैसे उसकी कंडीशन फेवरेबल आएंगी तो फेवरेबल कंडीशन में वो नए प्लांट का निर्माण कर ले। तो इस तरह से हमारे पास ये हमारा सीड होता है। अब हमने पढ़ना है जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड के क्या क्या करेक्टर है। तो सबसे पहले बीज पादप का पहला गुण तो यह कि उसमें बीज की उपस्थिति होना, बीज उपस्थित होता है तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों पौधों के अंदर बीज की उपस्थिति होती है। और इनके अंदर अब अपने को पता है कि किसी भी प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें दो फेजेस होती हैं, स्पोरोफिटिक फेज एंड गैमेटोफिटिक फेज। एक उसकी बीजाणोद्भिद अवस्था और एक उसकी होती है युग्मकोद्भिद अवस्था। तो इन प्लांट्स के अंदर मेन जो प्रधान पीढ़ी जो होती है वो होती है स्पोरोफिटिक होती है, बीजाणोद्भिद अवस्था होती है। और इन्हीं के अंदर बीजधारी पौधों की ये प्रकृति जो सबसे ज्यादा जो है ये डोमिनेटिंग स्पीशी अगर पूरे वर्ल्ड में देखी जाए तो सारे सारे जितने ही बीजधारी पौधे होंगे वो सबसे ज्यादा होते हैं। और उनमें से भी जिम्नोस्पर्म कम और एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स आपको जितने भी ज्यादा दिखेंगे वो सारे कौन से हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। इसी तरीके से ये भी संवहनी पादप है, संवहनी पादप है यानी इनमें वस्कुलर सिस्टम होता है और वस्कुलर सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम कंडक्शन ऑफ वाटर, इसका काम क्या है, जल को पौधे के विभिन्न भागों में संवहन करना। और फ्लोएम का काम कंडक्शन ऑफ फूड, जो फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा लीव्स पे बनता है उसको पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में दिवाना जाता है। तो कंडक्टिंग टिश्यू जो है ये, तो जो जितने भी बीजधारी पौधे हैं ये संवहनी पौधक होते हैं, इनमें कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्म में अगर हम कंडक्टिंग टिश्यू देखेंगे तो जाइलम में वेसल्स होती हैं, ट्रिकेट्स होती हैं,
जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम स्क्लेरोकाइमा टिश्यू होता है, यानी वाहिनिकाएं, वाहिकाएं जाइलम मृदु तक और जाइलम दृढ़ तक। जबकि यहाँ पर आपके जो फ्लोएम, आपके जो जिम्नोस्पर्म होता है, उनमें वेसल्स की अनुपस्थिति होती है और उनमें कंपेनियन सेल्स भी एब्सेंट होती है। और इसके बाद अपना अगला करेक्टर आता है कि जितने भी जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, ये कॉस्मोबुलेटिन है। कॉस्मोबुलेटिन मतलब जिस तरह का भी, चाहे टेम्परेट रीजन है, चाहे ट्रॉपिकल रीजन है, चाहे बहुत ही ज्यादा कोई गर्म चीज, गर्म जगह है, या कोई बिल्कुल ठंडी जगह है, यानी इन सभी में ये पाए जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं सर्वजनीय, विश्वजनीय कॉस्मोपोलिटन हैबिटेट कहते हैं। इसी तरीके से ये किसी भी अडेप्टेबिलिटी जो होती है सबसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा स्पीशीज होती है, प्रधान जो डोमिनेटिंग स्पीशीज होती है बीज वाली। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को किसी भी तरह का एनवायरनमेंट है, चाहे वहां पे अगर एक्सेस ऑफ वाटर हो, एक्सेस ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, इस तरीके से जैसे जितनी भी एडवर्स कंडीशन है, जैसे जीरोफिटिक कंडीशंस आ गई हैं या हाइड्रोफिटिक कंडीशन आती है, उन सब में अपने आप को ये उस के अकॉर्डिंग डाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मेन करेक्टर अडेप्टेबिलिटी होता है, अनुकूलता का गुण पाया जाता है, और इस अनुकूलता के कारण ये प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेते हैं। तो जैसे जीरोफिटिक प्लांट है, तो जीरोफिटिक प्लांट ऐसे होते हैं कि जहाँ पर एक्सेस ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पानी की स्केसिटी है, और वहाँ पर विंड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा रेगिस्तानी एरिया में तो वहाँ पर ऐसे प्लांट्स को होंगे जो उस एनवायरमेंट के को अपने उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, तो वहाँ सारे के सारे जीरोफिटिक प्लांट्स होंगे। इसी तरीके से कुछ प्लांट में जैसे एक्सेस ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है, कहाँ पर पानी की बहुत अधिकता है, तो वहां पर उगने वाले प्लांट जो होंगे वो हाइड्रोफिटिक होंगे, और हाइड्रोफिटिक प्लांट इस ज्यादा अधिकतर जो पानी है उसमें अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं और इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट करेक्टर आता है कि प्रकृति में ये इनके हैबिटेट देखे जाए तो ये हर्ब शर्ब्स एंड ट्रीज सभी तरीके के होते हैं। इनमें कुछ पौधे मतलब प्लांट्स जो होते हैं वो हर्ब भी हैं, शर्ब्स भी होते हैं और ट्री भी होते हैं। और इनके अंदर अगर हम एनाटॉमिकली के लिए देखें तो इनमें सब में रूट सिस्टम जो होता है, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, और रूट में भी डायआर्क से कंडीशन पॉलीआर्क होती है। डायआर्क का मतलब होता है जाइलम का नंबर, जो वास्कुलर बंडल है वो 2 होते हैं, और पॉलीआर्क का मतलब होता है 2 से लेके 2 से 8 तक। इनमें जो रूट होती है, रूट में एक्सार कंडीशन होती है। एक्सार्क का मतलब है कि जाइलम में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम प्रेजेंट होता है। अगर प्रोटोजाइलम की स्थिति बाहर की तरफ हो और मेटाजाइलम इसमें अंदर की तरफ हो, तो ऐसी कंडीशन एक्सार कंडीशन कहलाती है, जिसको हिंदी में कहते हैं बाह्य आदिदारुक होता है। आदिदारुक प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है और जो मेटाजाइलम है वो अंदर की तरफ होता है। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ करके ये अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से प्लांट का पूरा डेवलपमेंट होता है। तो इसमें प्राइमरी ग्रोथ भी होती है, प्राइमरी ग्रोथ के साथ साथ सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। इनके जो स्टेम जो होते हैं वो शाकीय भी होते हैं और कास्टी भी होते हैं, मतलब बुड्ढी भी हैं और हर्बेशियस भी होते हैं। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लेकिन एक्सेप्शनली जो जितने भी आपके एंजियोस्पर्म होते हैं इनमें डाइकोटिलेडंस में तो सब में द्विबीजपत्री सेकेंडरी ग्रोथ होगी, लेकिन एकबीजपत्री पौधों के अंदर द्वितीय वृद्धि नहीं होती। एक्सेप्शनली हम बता सकते हैं कि जैसे प्रोसिना में होती है। जिम्नोस्पर्म के अंदर अभी हम पढ़ी चुके हैं कि जो जिम्नोस्पर्म के भी 3 पार्ट्स होंगे, जिनमें साइकस, पाइनस और एफिड्रा। तो साइकेडेस, कोनिफोरेटेस एंड एफिड्रेस। तो साइकस, साइको साइकेडेस और कोनिफेरेडेस जो होता है, उन दोनों ग्रुप के अंदर तो आपके जाइलम में वेसल्स नहीं होती, लेकिन इसका जो एफिड्रा ग्रुप जिसमें आ रहा है, एफिड्रेस आता है, नीटेल्स ग्रुप जो है उनमें वेसल्स होती है। तो जिम्नोस्पर्म है, नीटम जो है वो जिम्नोस्पर्म है, लेकिन उसमें एंजियोस्पर्म के करेक्टर होते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ वेसल्स होती है। और इसी तरीके से कुछ अपवाद स्वरूप ऐसा है कि सभी एंजियोस्पर्म के अंदर तो वेसल्स होती हैं, लेकिन एग्जाम्पल है टेट्रासेंट्रेसी और ड्रोकोडेंड्रेसी जो है उनमें हाइड्रिला आदि के अंदर, हाइड्रिला प्लांट जो है तो एंजियोस्पर्म लेकिन इसमें वेसल्स नहीं होती। इनमें हेटरोस्पोरी पाई जाती है। हेटरोस्पोरी का मतलब होता है, क्योंकि हम कह रहे हैं बीजों के द्वारा ही जनन हो रहा है, तो बीज में विषम बीजाणु तो किसे क्या कहते हैं, जब किसी भी प्लांट के अंदर 2 मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बने, हम उसको हेटरोस्पोरी कहते हैं।
हिटरोस्पोरी में इनमें लघु बीजाणु बनता है, लघु बीजाणु जिसको पराकरण कहेंगे, और गुरु बीजाणु जिसको बीजांत प्रदर्शित करता है। तो इसके अंदर दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, हिटरोस्पोरी, हिटरोस्पोरी का अंदर विषम बीजाणुता, विषम बीजाणुता का मतलब होता है दो प्रकार के बीजाणु का बनना। एक होते हैं इसमें माइक्रोस्पोर्स, एक होते हैं मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से बनते हैं और मेगास्पोर मेगास्पोरोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा बनते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये भी होता है कि इनमें परागण की क्रिया होती है, पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन जो होता है वो बाय एनिमल भी हो सकता है, बाय हवा के द्वारा भी हो सकता है, कीट के द्वारा भी होता है, और जल और जंतुओं के भी द्वारा होता है। तो इसी के माध्यम से ये इजीली इन माध्यमों के द्वारा अपना इनका जो जैसे परागकण जो है वो इजीली अपने जैसे एग के पास आ जाते हैं। जबकि जो आपके जिम्नोस्पर्म है उनमें केवल एनुमेरोफिलस होता है, वायु परागरण ही होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में वायु परागरण भी हो सकता है, जंतु परागरण भी हो सकता है, और आपके कीट परागण भी हो सकता है, ये आपके जंतु जीव के द्वारा होता है। इनमें मेल जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल हैं, तो स्वरूप कुछ में ऐसे तो सारे नॉन मोटाइल होंगे, और मेल जो आपके साइकस है, साइकस के अंदर एक्सेप्शनली वो मोटाइल होते हैं, सीलेटेड स्पोर्स होते हैं। इनमें साइफोनोगेनोमस टाइप का नाल युग्मी जनन पाया जाता है। नाल युग्मी मतलब नाल की सहायता से, जैसे आप अपन जैसे फ्लावर में पढ़ते हैं कि फ्लावर में स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी होती है, तो इसकी स्टाइल पर किसी भी माध्यम की सहायता से परागण उसकी स्टिग्मा पर आ गए। अब स्टिग्मा पर आके अब उसका जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन होके ही वहां पर एक ट्यूब बनेगी, वो ट्यूब उसके स्टिग्मा से होती हुई स्टाइल और स्टाइल से उसके बीजांड के माइक्रोपाइल के अंदर चली जाती है, और अंदर जाके उन दोनों गैमेट्स को, दो गैमेट्स होते हैं मेल गैमेट, उनको फ्री करेगी बीजांड के अंदर, क्योंकि इसकी इनमें जो ये जो नर युग्मक जो है वो स्टाइल से लेके स्टिग्मा से होते हुए माइक्रोपाइल तक आए एक ट्यूब की प्रेजेंस से, तब इसलिए इस प्रकार का जो जनन जो है वो साइफोनोगेमस या नाल युग्मी जनन कहलाता है। और निषेचन की क्रिया पराग नाल के द्वारा होती है, साइफन, साइफन मतलब पोलन ट्यूब के द्वारा। इनमें जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है, उसका साइज बहुत ही छोटा होता है, और बीजाणु गुरु बीजाणु गुरु बीजाणु, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर जो होते हैं वो मेगास्पोरो स्पोरोगोनियम के अंदर पाया जाता है। गुरु बीजाणु धानी के अंदर पाया जाता है, और इसके अंदर ये बाद में गुरु बीजाणु धानी है बड़ी, और उसके अंदर भी वो 8 न्यूक्लियोटाइड और 7 सेल्स प्रेजेंट होती है। इनमें गुरु बीजाणु धानी के अंदर पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट होता है वो गुरु बीजाणु धानी के अंदर ही होता है। इनमें और बीजाणु जो है वो अपने इंटेग्यूमेंट से ढका हुआ है, और इंटेग्यूमेंट्स जो होती हैं अंडाशय में इंटेग्यूमेंट से ही मतलब जैसे पूरी तरफ से किससे है, अध्यावरण से ढका रहता है। ये बीजाणु अंडाशय में होंगे, और जहां पर अगर अंडाशय नहीं है तो वो नग्न बीजी होगा। इसके बाद आता है इसमें जो फूड जो होता है या तो भ्रूण कोश में होगा या बीज पत्रों में संग्रहित होता है। लंबी अवस्था तक ये बहुत बीज जो है वो लंबी अवस्था तक सैकड़ों अवस्था में, शुष्क अवस्था में या डोमेंट स्टेज में रखे रहते हैं। इनमें जो डिस्पर्शन का मीडियम जो होता है, डिस्पर्शन जब सीड बन गया तो सीड में प्रकीर्णन की क्रिया जो होती है वो भी किसके द्वारा होती है, वो विभिन्न दिशाओं में विभिन्न अलग अलग उसकी विधियां हैं, विधियों के द्वारा ये डिस्पर्स हो जाते हैं, और फिर वापस इनका अंकुरण होता है और वापस ये नए प्लांट का निर्माण कर लेते हैं। तो आज हमारी ये जो हमने पढ़ा कि बीज क्या है, बीज की परिभाषा क्या है, और बीज के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, और इस बीजधारी पौधों को किस में रखा जाता है, इनको आज हम ब्रीफ में पढ़ हमने आज इनको ब्रीफ में पढ़ा। थैंक यू।